तो यार आप सभी का स्वागत है गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक वेलहैला डीएलसी के पार्ट नंबर 9 के अंदर। तो यार इस वीडियो के अंदर हम कोशिश करेंगे कि हम सेवेंथ लूप को 100% कंप्लीट कर ले और टीयर को फाइनली एक और बार हरा दे। तो यार इसी उम्मीद के साथ शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी गड़बड़ के। ओके ठीक है, दोबारा से कोशिश करते हैं इस बार। और मेरे ख्याल से इस बार हो जाएगा, हम काफी अच्छी इंप्रूवमेंट्स करने वाले हैं। उससे पहले मैं एक बार अपने लुक को चेंज करना चाहता हूँ थोड़ा सा। ये अच्छा आर्मर दिख रहा है। और ये क्या है? ओ ये ट्राई करें क्या? फोल्क वैंगर ये ट्राई करते हैं। उसके अलावा फोल्क वैंगर ये रहा। ये थोड़ी अलग लुक है तो मैंने कहा एक बार नया ट्राई करते हैं। लुक को टाइम टू टाइम चेंज करनी चाहिए भाई लुक, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी चीजें लिटरली कॉमन है। वो एक नई लुक आई है क्या? हाँ। उसके अलावा यहाँ पे अगर हम जाएंगे तो कुछ ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है साथ में इसके। और इसके अंदर इसको लेते हैं और कुछ ग्रीन समथिंग ये वाला। और इसके बाद यहाँ पे सॉरी, और एक ये वाला। और इसके बाद शील्ड, ये वाला। चलते अब हम ग्रीन मैन बन चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। और अब सीन क्या है? आगे बढ़ते हैं। हम ऑलरेडी खर्च कर चुके हैं इसका मतलब सारा ये सब कुछ। उसके अलावा यहाँ पर ये भी हम खर्च कर चुके हैं, ये पूरा मैक्स आउट हो चुका है। रेज अभी हमारे 6 पे पहुँचनी है और यहाँ पे 6 पे पहुँचनी। डिफेंस हम 7 कर चुके हैं, ठीक है आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से 2 रेजरेक्शन स्टोन हमारे लिए काफी रहेंगे इस बार। उससे पहले एक बार मैं कोडेक्स में जाके एक चीज जरूर चेक करना चाहूंगा यहाँ पे, सॉरी मास्टरी के अंदर एग्जैक्टली बचे कौन कौन से हैं। सो लेगेसी हमारी रेज चाहिए हमें, और ऑनस्लॉट शील्ड पे ही चालू करते हैं। ऑनस्लॉट या फिर डॉटलेस, इन दोनों में से एक देखना पड़ेगा। चलते हैं, ट्राई करते हैं ऑनस्लॉट या डॉन्टलेस में से कोई बेनिफिट रहेगी। मेरे ख्याल से ये वाली रखते हैं खुद को। उसके अलावा यहाँ पे लेगेसी चली रही है अपनी, बेनिफिट भी है थोड़ा सा हमें यहाँ पे, लेकिन रियल शिफ्ट हमारे काम आएंगे तो उसके लिए रख लेते हैं। I'm curious as to the state of the realms. Well, since my sisters and I returned to our old Valkyrie duties, the souls of the damned no longer. No more hellwalk? I can't say no hell. Rasvelger seemed pleased. ठीक है आगे बढ़ते हैं। ओके। बाय बाय। ओ रुको, फाइनल फाइनल की। द की
हमें ट्रॉफी मिली यू अगेन फाइंड ऑल थ्री बोट कैप्टन कीज वी विल टॉक लेटर ओके फोकस हमें इस बार टियर को हराने पे करना है रैम शिफ्ट भाई साहब यही चाहिए अपना वो मेन फोकस इस टाइम पर रहेगा एक्स पे ताकि हम टियर को हरा सके चलो आओ आ जाओ नाइस अब सबसे पहले इसको खोलते हैं ओके सो ओ लो लक चांस टू ट्रिगर रियल शिफ्ट टेम्परेरी स्लो डाउन सराउंडिंग एनिमीज व्हेन पेयरिंग डेफिनेटली रैम शिफ्ट पे हमें अपना मेन फोकस करेंगे इसके लिए मेरे को एक सेकंड जरा चेक करने दो जरा इस टाइम पे कौन सी है जिनके ऊपर मुझे फोकस करना है वैसे अगर देखा जाए लेबर्स अपने आप होता रहेगा बस रेज बचा है शील्ड बची है अगर हमने इस बार टीयर को हरा दिया तो ये खत्म हो जाएगा और शील्ड सिर्फ एक बचेगी आई थिंक डॉटलेस शील्ड बचेगी टीयर से रिलेटेड बाकी सारा खत्म हो जाएगा उसके अलावा अगर हम यहाँ देखेंगे ये हम कर रहे धीरे धीरे एक्स्ट्रा पैसा हम इसमें ही खर्च करने वाले हैं उसके अलावा ये टाइम लगेगा हल्का सा क्योंकि इसके लिए हमें बैरियर कीस चाहिए और मिक्स लिप अभी हम कर लेंगे चैलेंजेस हमारे चल ही रहे ग्रीक चेस सेक्रीफाइस चेस वगैरह सब चल रही हैं और अभी हमारे पास अगर हम ब्लेड्स की बात करें सो सिर्फ एक हैवी रूनिक में है नीबियन क्रश और टार्टरस रेज दोनों ही हमें दे दिए हैं ओके ये ज्यादा बेटर दिख रहा है मुझे अगली बार टार्टरस रेज का इस्तेमाल करके हम इसको भी पूरा कर देंगे ग्रीटिंग्स फ्रेंड एनी क्वेश्चंस बिफोर यू गेट स्टार्टेड आई वाज वंडरिंग एक्चुअली Did Odin ever try his hand at Valhalla? Of course. He explored it very thoroughly, seeking to gain control of the Valkyries. But in the end, he found nothing here he could use. You see, Odin always looked outside himself for answers. But Valhalla only reveals its secrets to those who do the work of looking within. ठीक है, हमें एक और मिल गया. जो अच्छी चीज है उसके अलावा इसको स्वॉर्ड को देखते हैं नहीं स्वॉर्ड नहीं है क्या है रून अटैक डैमेज एनकाउंटर्स 5 और बदले में क्या है हीलिंग डिक्रीज हीलिंग फ्रॉम हेल्थ स्टोन्स रेज एंड गियर बदले में क्या मिलेगा ये ये वाला लेते हैं एक बार यहां देख लेते हैं बाय चांस यहाँ पे और कुछ हो जो हम एक्वायर और कर सकते हैं चेस्ट वगैरह के केसेस में नहीं सीधा हम लड़ाई कर सकते हैं लेकिन मैं अपने हम जान चुके हैं कि ये बेवकूफी है पहले हमें खुद को इम्प्रूव करना पड़ेगा हमें ज्यादा चीजों को एक्वायर करना पड़ेगा तो जाके ही हम सही से सारे काम कर पाएंगे सो एक मिक्स क्लिप वाला हमें वैसे भी करना था तो एक वो कर सकते हैं हम उसके अलावा मैं बस एक बार चेक कर रहा हूँ यहाँ पे ओके डन यहाँ कुछ नहीं है मतलब हर एक एरिया में सिर्फ एक ही चेस्ट है ऐसी जो बैरियर की से अनलॉक करने के बाद बार बार रिस्पॉन होती है अब वेपन ग्लिफ की हमें रिक्वायरमेंट है या मिस ग्लिफ की मेरे ख्याल से मिस ग्लिफ पे चलते हैं पहले तो कि हमें वो पूरा करना था मास्टर को पूरा करना था हमें ब्लेसिंग ऑफ वाइटैलिटी ओके और ये तो चलते रहेंगे सॉरी 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 नाइस उसके अलावा इन पे खर्च करूं कि नहीं
रहने देते अभी, बाद में कर लेंगे, हमारे पास ये हटेंगे नहीं ऑप्शंस। मास्टरी एक और हमने कंप्लीट कर ली इसी के साथ। का है? ये रहा। आ जाओ। नाइस। मैं पैरी पे ज्यादा फोकस करने वाला हूँ। आ जाओ। चलो चलो चलो। बाट लगा दी। और कोई? सब गए। हेल्थ मैक्स आउट कर लेते हैं। उसके अलावा मुझे यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा। इसको लेते हैं। ब्लेसिंग ऑफ डिफेंस एंड इंक्रीज मिली डैमेज ड्यूरिंग रैम शिफ्ट। रैम शिफ्ट के ऊपर अपना मेन फोकस रहेगा और जितना हो सके उतना हम टीयर की वाट लगाने पे फोकस करेंगे रैम शिफ्ट के टाइम पे। I think I know why I fight Thor's sons. You tell. Like Atreus, they were children of a destroyer. Had I not changed, had I raised him as I was raised, subject only to authority, perhaps his fate would have been no better than theirs. So, they reflect a bad road not taken, a fate avoided? Perhaps. I also feel pity. Failed by their father, sent to die by their uncle, and belittled in death by their grandfather. What chance did they ever have? Am I hearing guilt, brother? Some. Perhaps imagining a fair fight is to honor them as life did not. ठीक है, सबसे पहले एक बार मैं यहाँ पे चेस्ट को देख लूँ। एक यहाँ पर चेस्ट है। और उसके अलावा यहाँ पर एक चेस्ट है। ओके, सो ब्लेसिंग ऑफ द माइट और डिफेंस। डिफेंस टीयर के साथ मेन प्रॉब्लम ये है कि हमारे डिफेंस काफी कम था उस टाइम पे। सफिशियंट डिफेंस नहीं था हमारे पास टीयर से लड़ाई के लिए, तो उसके ऊपर ध्यान देना भी जरूरी है। धीरे में सही में आ रही है कि सारा का सारा चेस्ट वगैरह कैसे खेल करती हैं। और हम एक क्वेश्चन मार्क पे जाने वाले हैं क्योंकि जनरली वहां पे काफी इंटरेस्टिंग चीजें हमें देखने को मिलती हैं। सॉरी, आगे बढ़ते हैं। एक बार चेक कर लूं कुछ नया। रिलेंटलेस माइट कॉम्बो फिनिशर्स हैव अ हाई लक चांस टू इंक्रीज क्रेटोस स्ट्रेंथ एंड स्टैगर डैमेज। रख लेते हैं। उसके अलावा ये तो अभी हम करते रहेंगे, अभी हम थोड़ा सा नहीं करेंगे उस पर, ताकि हम आगे चल के एक क्रेस्ट को खरीदने के लिए पैसे रख सके। अब देखते हैं यहाँ पे एग्जैक्टली हम कहाँ पहुँचते हैं। अच्छा, ये है चेंबर ऑफ रेडामेंथस। यहाँ पे पहले आ चुके हैं आई थिंक। पहले से इसको कर लो। यहाँ पे एक चेस्ट है, पहले से चेक करते हुए चलो उसका। भाई साहब, सारे फटे जा रहे हैं। ठीक है, मास्टरी सील, आगे बढ़ते हैं। फिलहाल मुझे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। Oh!
लगा दी वाट। यहां जाने से पहले इनको करते हैं, और उसके अलावा एक होगा यहां आगे। डन। नाइस। उसके अलावा एक यहां पर है और एक ये रहा। इस बार जल्दी मिल गए। चलते इसको लेते हैं। नाइस। प्लस थ्री क्योस क्रेस्ट। आगे बढ़ते हैं और ये है अपना चूस वाला सीन। वेपन ग्लिफ, रून अटैक या फिर ये। मैं रून अटैक को जाऊंगा। उससे पहले कौन सा है जो रहता है? सो यहां पे अगर हम देखें मास्टरी के अंदर, बस ब्लेड्स का ये तो हम कर नहीं पाएंगे इस बार। सो एक्स के अंदर हेल्थ टच और विंटर्स बाइट, विस्पर और ये अजीबोगरीब नाम। रीरोल ट्राई करते हैं। ये कर लेते हैं। चलो वैसे भी यहां पे कोशिश की मैंने, मिला नहीं। ठीक है छोड़ो, आगे आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है जो हम कर सकते हैं? What are you going to saddle yourself with? ये तो बिल्कुल भी नहीं, वाट लग जाएगी हमारी। और ये क्या है? नहीं भाई नहीं चाहिए, इसको लेते हैं। ओके सो मिली अटैक्स और ये है ये वाला रूनिक अटैक्स। हमारी टीएसए फाइट के अगेंस्ट में काफी मदद करेंगे। उसके अलावा वहां पे एक चेस्ट है, उसको लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। ओ हाँ, उसके आगे बैरियर की है कि नहीं, मैं मुझे याद नहीं, सच कहूं तो मैंने कितना अनलॉक कर रखा है मैं खुद भूल चुका हूं। अब बैरियर की है यहां पे, उस साइड ट्राई करते हैं। इधर चलते हैं, और कुछ कर भी नहीं सकते। उससे पहले एक बार यहां पे चलते हैं। और यहां कुछ है? I'm not to take Valhalla up and some help, even if it's just for this attempt. Strength. और अगला अपग्रेड के अंदर अभी इन पे फोकस नहीं करेंगे, हमें क्रेस्ट वगैरह बचा के रखनी है। उसके अलावा यहां पे एग्जैक्टली रैम शिफ्ट से रिलेटेड क्या था मुझे वो चेक करना है बस। पैरिंग से रिलेटेड था ना। और ये क्या था? हाँ याद आया, हमने एक बार ट्राई कर चुके हैं और हुआ भी था रैम शिफ्ट जितना मुझे याद है। उसके अलावा यहाँ पे हमें अपग्रेड करने की, वापस रिकवर कुछ नहीं करना, तो आगे बढ़ते हैं इसके साथ। आ जा। कोई नहीं, नहीं।
ऐसे आसानी से कैसे? रुको, कोई है बोरा। चलो एक और है। कितने सारे भाई? ये क्या? आ जा। चलो चलो चलो, आ जा। मैं ध्यान नहीं दिया था। आ जा। बाय बाय, हेल्थ पूरी करते हैं। थोड़ा सा डैमेज था क्योंकि बार बार वो आए जा रहे थे, लेकिन वैसे सच कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था। अब हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है, लेकिन उससे पहले हमने अच्छे खासे खुद को अपग्रेड कर लिया है, जो अच्छी चीज़ है। ओके, सो एनविल हमारे काम आ सकता है। एनविल आगे बढ़ते हैं। पहले तू आ। ये क्या? चलो आओ। ये भी क्या? और कोई बचे? डन। हमारे पास अब सारे इमोलेशन, परमाफ्रॉस्ट, सारे स्किल्स पूरे मैक्स आउट हो चुके हैं। इसका मतलब हम अगले वाली फाइट में वाट लगा सकते हैं सामने वाले की। मैं एक बार चेक कर रहा था बस हेल्थ वगैरह के लिए। चलो ओके, ब्लेड हेड टू ग्रांट इन रून प्लस एंड रूनिक, और ये क्या है? स्ट्रेंथ एंड रूनिक। देखा जाए दोनों में ही कोई फर्क पड़ नहीं रहा मुझे, तो फिर मेरे ख्याल से ये ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि लक इस टाइम पे हमारा इतना अच्छा है नहीं। ओके आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड बस चेक कर लूं मैं, कुछ है तो नहीं ना यहाँ पे? नहीं है। बार बार के इमोलेशन हमें काम चालू करना पड़ेगा। चलते सीधा, वैसे भी यहाँ कुछ कर नहीं सकते हम। और यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं। एक मैं अपग्रेड कर सकता हूं चाहूं तो। इसको अपग्रेड करते हैं, वैसे फर्क पड़ता नहीं है, या फिर रख लेते हैं अगर बाय चांस कुछ ऐसा हुआ जो आगे काम आए। वैसे भी सारे अपग्रेड हो जाएंगे जब हम वहां पे जाएंगे ग्रीक एरिया के अंदर। आ जाओ।
देख रहे हो? अब आ जा, आ जा आ जा। Nice damage. Aja. Up. Aja emulation. तीन बार, ये तो भाई चीटिंग हुई। ओके, ये था आपका एओई अटैक था। अरे यार, आ जा। एल्वा का नाम सुना हुआ है मैंने। द लाइट एफ गार्डियन ऑफ द टेम्पल ऑफ द लाइट रिटर्न फ्रॉम माई मेमोरी। हाँ, मुझे याद है ये। स्वॉर्डमैनशिप एंड कमांड ऑफ हर फॉर्म स्टिल प्रूव्ड एज चैलेंजिंग एज द फर्स्ट टाइम वी फॉट। आई डू नॉट रिग्रेट किलिंग हर व्हेन शी अटैक्ड अस, बट विद द लाइट एल्व्स एंड द डार्क एल्व्स एज अलायंस एट रैग्नारॉक, आई डू वंडर व्हाट पार्ट शी कुड हैव प्लेड दैट डे एंड इफ अदर लाइव्स कुड हैव बीन सेव्ड ड्यू टू हर प्रेजेंस ऑन द बैटलफील्ड। ओके, सबसे पहले चलते हैं यहां पे। एक्चुअली मुझे दोनों ही नहीं चाहिए। उसके अलावा यहां पे जाने से पहले एक बार चेक करते हैं, मुझे लिटरली कुछ नहीं चाहिए, तो अगर कोई सेकेंडरी बेनिफिट मिला तो उस पर मैं फोकस करूंगा। ये वाला ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Brother, you've told me many times of mortals you killed when in the god's service. What is it about this boat captain? He pulled a costly weapon to show him mercy. His life was in my hands. To be so casually cruel, nothing to me, and I treated his life as nothing. He was not a god who had manipulated me nor bound me in service. I cannot hide behind my thirst for revenge. He was just a man afraid for his life, attacked and swallowed by a monster he had no hope of defeating. But the Hydra was just an animal. I showed him what a true monster looked like. बोट कैप्टन इतना फेमस है, हर गेम के अंदर, गॉड ऑफ वॉर के हर एक गेम के अंदर आपको मिलेगा वो, कैसी ना कैसी फॉर्म के अंदर। उसके अलावा ओके, ये भी पूरा हो चुका, ब्लेस्ड इन वेलहेला। हाँ, ब्लेड अट्यूनमेंट मैंने अभी करी है ना, तो उसका पूरा हो गया जो भी सीन था। मैं एक मिनट याद कर रहा हूं, चलते आगे। यहाँ कुछ नहीं है, आगे बढ़ते हैं। हमारी पॉइजन एनिमी से लड़ाई वगैरह होने वाली है ना अभी, तो मैं स्टार्टिंग में स्पीयर का इस्तेमाल करके पॉइजन से वो ले लूंगा। मेरा मेन फोकस रहेगा इमोलेशन को चार्ज करने का।
रुको, यहाँ पे हमें रिवॉर्ड मिलता था एक चेस्ट का। चेस्ट कहाँ गई? चेस्ट नहीं दी इस बार इन्होंने। गलत बात है। अब बाय बाय। नाइस। सबका इमोलेशन चार्ज है। मेरे ख्याल से हम एक बार में सबका इमोलेशन चार्ज कर सकते हैं क्या? ओ चैलेंज स्टन ग्रैब 8 एनिमीज और किल 6 एनिमीज विदाउट टेकिंग एनी डैमेज फ्रॉम एनिमी अटैक्स। और बदले में सेम चीज ही है तो मैं इस वाले पे फोकस करूंगा। इतना मुश्किल नहीं है, प्रॉब्लम ये लगातार 6 को करना है। देखते हैं कैसे होता है, किस्मत की चीज है। वैसे भी आगे काफी एनिमीज से हम लड़ाई करने वाले हैं। ये आइस का सिग्निफिकेंस क्या है, मैं सही में नहीं आया अभी तक। येलो हो रखी है, कभी एक रेड होती है, कभी दोनों, सॉरी एक ब्लू होती है, कभी दोनों ब्लू होती है, कभी दोनों येलो होती है, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे इसका मैटर। चलो आगे बढ़ते हैं। Helios has returned. सीन क्या है, बदले में क्या है? एक्चुअली ये मुझे चाहिए। ओके एक बार यहां चेक कर लेते कुछ है क्या। ऑलवेज लुकिंग फॉर एन एज, इज दिस अ गेम टू यू? और ये वाला ठीक है, चलते हैं। रैली रिचार्ज का मैं अच्छा खासा इस्तेमाल करने की सोच रहा हूँ इस बार। रीजन बीइंग हमें पता है कि हम रिचार्ज करने वाले हैं, हमारे पास इतना पैसा होगा। सबसे पहला ये वाली लड़ाई करेंगे, ये वाली लॉक्ड है, वापस चलते हैं, इस साइड पे चलते हैं। यहां पे जो बोट एरिया है ना, मैं दोबारा से उस बोट एरिया में जाना चाहता हूं। चलो चलो चलो, डन। उसके अलावा डिफेंस, अगला एरिया जहां जाना चाहिए मुझे वो है यहाँ शिमरिंग वाला। हाँ हेल्थ की अभी मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन इसके बाद रिक्वायरमेंट जरूर होगी। ये क्या? Strike with your shield, damn it! Right side, incoming! इसको हराना है। अरे यार चलो हराना है हमें, हरा दिया। यस चैलेंज कंप्लीट। मुझे लगा नहीं था हो जाएगा, लेकिन हो गया।
ओके सो ये क्या है, ये वाले पे फोकस करते हैं। अगला हेल्थ की अभी जरूरत नहीं है। यहां पे आई थिंक वो बोट है। Sever the link already. Try another weapon, idiot. बाय बाय बोरी बोट। उससे पहले मैं एक मिनट साइड के एरियाज को देखना चाहता हूँ। इसके ऊपर फोकस करूँ कि नहीं मैं? अभी टाइम है हमारे पास, हम कर सकते हैं। ओ नहीं, रुको रुको रुको, कहां पर है बोरा? ये क्या, हटो। आ जा, अब आ जा आ जा आ जा आ जा। और हमने बड़े वाले को हरा दिया। कहाँ है अगला? भागो। अगला कौन है? यहां पे कहीं होगा। बाय बाय। हू इज वन ऑर्डियल डन विथ। ओके सो ओ, और बदले में ये क्या है? ये वाला लगते हैं, थोड़ा सा रिस्की मैटर है लेकिन मेरे ख्याल से ये ज्यादा सही रहेगा ऑप्शन में। ओके, और अभी हमारे पास तीन और है, मेरे ख्याल से हम अच्छा खासा कमा सकते हैं इस टाइम पे। मैं फोकस बोट पे करना चाहता हूँ, चलते हैं। हेल्थ है हमारी ऑलमोस्ट काफी ज्यादा, चल के देखते क्या होता है। आ जाओ। चलो स्पीड की बात है। और बाय बाय। अगला कौन है? इसके लिए ये वाला। नाइस डैमेज। ओके बोरे। ओके ये भी गए। ये क्या, चलो बड़े ये वाले ज्यादा फिर भी सही है। ये क्या,
इसके लिए ये वाला इस टाइम लगेगा, स्पीड से करना पड़ेगा। हरा दिया, क्लोज वन। Well, better than us. भाई साहब, ओके, सोललेस असॉल्ट, परफेक्ट पर ग्लिफ। या फिर मेजर बूस्ट बाकी सब में, इतना फर्क नहीं पड़ेगा, इस पे चलते हैं। नाइस, आगे बढ़ते हैं। ये भी क्या, अगला एरिया जो जाएंगे हम इस साइड पर जाएंगे, वहां पे एक पार्क है उसको लेते हैं। ओके, सो रेजिलिएंट और ये वाला, ये वाला ये काम आएगा क्योंकि हमें रैम शिफ्ट पे फोकस करना है। इस साइड पे जाके फिर खत्म करें गेम को, खत्म करते हैं या फिर आगे चल के एक सेकंड चेक करते हैं। यहाँ पे चेस्ट है, उसको लेते हैं। चलो आओ, ये समनर है ना, अरे यार, अब मैं हमेशा मिनोटॉर को भूल जाता हूँ सारा सीन। आ जा, और कोई बचे? ओके, इंक्रीज द पावर ऑफ वो, और एक्चुअली ये काम नहीं आएगा, रीजन बीइंग टीआर बैंड बजा देगा इतनी देर में हमारे। ओके, अगला एरिया यहां चलते हैं, चेस्ट को लेते हैं। तो बाहर जाएंगे तो वो हो जाएगा, उससे पहले यहां देखते हैं कोई चेस्ट वगैरह एरिया है क्या। ओ, एक शिमरिंग, ये वाला, इसको तो लेना पड़ेगा। Your target's walking around unkilled. Crossfire at your back. Bye bye. Kaun hai? Bora. Done. And things just got harder. डिफेंस या फिर डिफेंस, उसके अलावा सामने चलते हैं और इस एरिया में देखते हैं कि यहाँ पे क्या सीन है। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए मैं शायद इधर से जाना पड़ेगा। ओ, एक वेपन ग्लिफ,
Disrupt it, you half-wit! ये क्या? ओके, सो ये क्या है? और ये क्या है? ये वाला। उसके अलावा यहां एक मिनट चलते हैं। कितना टाइम है हमारे पास? 15 मिनट हमारे पास। हल्का सा और चीजें कर सकते हैं हम। यहां से ऊपर चलते हैं। और यहां से इधर चलना है हमें। पहले चेस्ट को लेते हैं। ओके, इस वाली पे हम पहली बार जा रहे हैं, देखते क्या होता है। आ जाओ, थोड़ी सी मुश्किल फाइट है लेकिन देखते क्या होता है। सेम चीज। आ जाओ। मैटर सारा स्पीड का है यहाँ पे। कहाँ है? आ जा, बच गया भाई। दोस्त आ जा। ये क्या? अगला आ जा, आ जा, आ जा। ऐसे कैसे? डेजर्ट वाला ज्यादा बड़ा है। कोई नहीं, टाइम है हमारे पास हल्का सा। ये क्या? अगला। ये क्या? अगला। पहले साइड वालों को करना है। आ जा, आ जा, आ जा। चलो चलो चलो, ओ 2 मिनट और। आ जा, पहले एक को हराओ। ये क्या? ये क्या? डन। डिवाइन ट्राइप ही मिला हमें। आगे बढ़ते क्या होता है भाई साहब? बड़ा इंक्रीज या फिर
ये वाला हमें ट्रॉफी मिली, इजी कम इजी गो, एक्वायर मोर देन 15,000 फ्लीटिंग रूम्स ऑन अ सिंगल अटेम्प्ट। क्या बात है। आगे बढ़ते हैं जल्दी से, टीआर से लड़ाई करते हैं वरना फिर भाई साहब टाइम खत्म हो जाएगा। दौड़ते हुए चलो, कुछ नहीं करना, चलते हुए जाओ जल्दी से। डन, इसको लो। वर्थ इट नहीं था मेरे हिसाब से। यहां से इस साइड जाना है, वहां से उस साइड जाओ। यहां साइड में कुछ है, हाँ है, इसको लो, वापस जाओ। कितना टाइम है हमारे पास भाई साहब, से 8 मिनट बचे, ज्यादा टाइम नहीं है। इसको फुल करो, यहां से निकलो। इसको लो सबसे पहले, क्योंकि भाई साहब चांसेस बहुत कम होते हैं ऐसे। डोंट हरी अप एंड मेक अ डिसीजन ऑन माय अकाउंट। यो क्या अगला, यहां से डिवाइन ट्रायंप पे। आगे बढ़ो, एक ये छोड़ो उसको, अगला ये, ओके। सो नाइस, ये वाले चाहिए हमें, ये बहुत मदद करेगा हमारी। अगला, यहाँ हम कुछ कर नहीं सकते, हमारे पास बचे नहीं है, कोई बात नहीं। उसके बाद यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा एग्जैक्टली क्या चाहिए। उससे पहले ये खरीदते हैं, और अगला यहाँ पे इन सबको मैक्स आउट करते हैं। नाइस, अब इसके साथ हमारे पास 6 रूनिक अटैक्स और 6 के 6 सारे के सारे अपग्रेड हो चुके हैं। रैलिक रिचार्ज का, एक सेकेंड, अब लो। नाइस, बस एक और रैलिक रिचार्ज, फिर ये भी कंप्लीट, और उसके अलावा जो बचा हुआ टाइम बचा हुआ है वो सारा का सारा मैं खर्च करूंगा रेज बर्स्ट पे। डन, हम तैयार हैं लड़ाई के लिए। कितना टाइम बचा है, 54 मिनट्स। सो 10 मिनट के अंदर क्या हम लड़ पाएंगे। एक काम करते हैं, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, अगली वीडियो के अंदर टीयर से लड़ाई करेंगे शांत दिमाग से। तो यार इसी के साथ इतना ही, अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं बढ़िया बढ़िया कॉन्टेंट डालता रहूंगा अपने चैनल पर, तुम भी उन्हें जरूर चेकआउट करना। और बाय चांस अगर तुम्हें लगता है मेरा कंटेंट बढ़िया है, उसका जगह शेयर करो और आग की तरफ फैला दो। तब तक के लिए इतना ही, सायोनारा।